हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको डिवाइड करना बिल्कुल भी नहीं आता है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद डिवाइड के बड़े से बड़े एग्जांपल को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आइए, इस वीडियो में मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं और ये दो एग्जाम्पल आपको डिवाइड सिखाने के लिए काफी हैं। तो आइए देखते हैं इन दो एग्जाम्पल को। पहला बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। इससे दूसरे एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि अगर डिवाइड करने पर कुछ शेषफल में कुछ बच जाए तो आंसर कैसे बताएं, डिवाइड करने पर पॉइंट कैसे लगाते हैं, डिवाइड करने पर जीरो कैसे लगाते हैं, ये सब चीजें आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले जो बाहर नंबर लिखा होता है, इसका पहाड़ा आपको याद होना चाहिए और इसका पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है, जितनी बार भी पढ़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे। और आपको पढ़ना कितनी बार है ये कैसे डिसाइड करेंगे, टू का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ जो नंबर है वो नंबर आए या फिर उससे कम आए। तो फोर है तो हम टू का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि फोर आए या फोर से कम आए मगर उससे ज्यादा ना आए। तो टू का पहाड़ा हम पढ़ेंगे टू बार, क्योंकि टू का पहाड़ा टू बार पढ़ेंगे, टू टू जो होता है फोर, वही नंबर आ गया, ठीक है। फिर लाइन को खींच के इसको क्या घटाया जाता है, घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा, घटाने के बाद लाइन को अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है लाइन आगे बढ़ाकर, तो हमने अगला नंबर फोर उतार लिया। फिर से टू का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि एट आए या एट से कम आए, बस यही प्रोसेस आपको आगे फॉलो करते रहना है। तो टू का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे फोर बार, टू फोर या एट होता है, घटाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, और फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है मगर आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और इसे सॉल्व करके आपका भागफल 2-4 आ गया है और इसी को आप अपना आंसर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर शेषफल में कुछ बच जाता तब आप इसे अपना आंसर नहीं कह सकते थे। तो अगर शेषफल में कुछ बच जाए तो कैसे इसका आंसर बताएंगे, वो इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हम फिर से 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 5 आए या 5 से कम आए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तब आएगा 3। अगर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते तो 6 आता, ज्यादा हो जाता, गलत हो जाता। तो हमें पहाड़ा इसका इतनी ही बार पढ़ना है कि 5 आए या 5 से कम आए। तो 1 बार पढ़ा, 3 आ गया, घटाएंगे यहाँ पे बचेगा 2। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, 23 हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 23 आए या फिर उससे कम आए, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, 37 या 21 होता है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, आगे कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये डिवाइड आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया है और एक तरह से आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि ये डिवाइड आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है तब इसका आंसर कैसे बताएंगे पहले वो देख लीजिए, और अगर आप ये सोचते हैं कि इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो उसके बाद देखिएगा। मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि आगे कोई नंबर नहीं उतारने के लिए और ये यहीं पर कंप्लीट हो गया है, तब इसका आंसर कैसे बताएंगे। अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता, जैसे इसमें नहीं बचा था, तो जो इधर नंबर आया है वही आपका आंसर होता, वही भागफल, वही आपका आंसर होता। लेकिन अगर कुछ बच गया है तब आप सिर्फ इसे अपना आंसर नहीं कह सकते हैं। अगर नीचे कुछ बच गया है तब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर ये जो नंबर आया है पहले वो लिखेंगे 17, और फिर एक इस तरह की लाइन खींचेंगे, लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो नीचे बचा है, 2 बचा है 2 लिखेंगे, और फिर लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे, 3 से कर रहे थे 3 नीचे लिखेंगे, और आपके इस डिवाइड का एग्जैक्ट आंसर ये होगा अगर आप इस डिवाइड को यहीं पर छोड़ना चाहते हैं तो। और इसका आंसर पढ़ेंगे 17, सही 2/3, ये आपके इस डिवाइड का आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस डिवाइड को और आगे सॉल्व करना चाहते हैं, इसका आंसर पॉइंट में निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। घटाने के बाद, जैसे यहाँ पे घटाया, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, आगे कोई नंबर नहीं है, तब आप अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, अब ये 20 हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आए या 20 से कम आए, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार और 18 आएगा, 3×6=18 होता है, घटाएंगे 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से आप अपने मन से यहाँ जीरो लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब फिर से 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 18 आएगा, घटाएंगे 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से आप यहाँ जीरो लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप इसे जितना आगे चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको डिवाइड करना अच्छी तरह से आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।